रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़ी हुई दुनिया सुरक्षा परिषद में भारी बहुमत के प्रस्ताव पारित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आइए जानते हैं पूरी खबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने रोहिंग्या मुसलमानों के हित में एक प्रस्ताव बहुमत से पारित किया है। फ्रांस प्रेस के अनुसार सुरक्षा परिषद ने 122 मतों के समर्थन और 10 मतों के विरोध के साथ रोहिंग्या मुसलमानों के हित में प्रस्ताव पारित किया है। सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव में म्यांमार सरकार से मांग की गई है कि वह इस देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों तक राहत पहुंचाने में सहायता करे। सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव म्यांमार सरकार से यह भी मांग करता है कि वह पलायन करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की स्वदेश वापसी को सुनिश्चित कराए। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के महासचिव से भी यह अनुरोध करता है कि रोहिंग्या मामलों के लिए राष्ट्र संघ का विशेष दूत नियुक्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस्लामी संयोग संगठन ने रोहिंग्या मुसलमानों की दयनीय स्थिति के बारे में एक प्रस्ताव को पेश किया था जिसे सुरक्षा परिषद ने बहुमत से पारित कर दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2017 से म्यांमार के राखीन प्रांत के रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध जारी हिंसा का जो क्रम जारी हुआ है उससे अपनी जान बचाने के लिए 6 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान अपना घर बार छोड़कर रोहिंग्या से चले गए हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध जो अभियान चलाया जा रहा है उसे राष्ट्र संघ ने जातीय सफाई की संज्ञा दी है। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।